नमस्कार, फिर से हम आपको आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ अनसुनी किस्से जो जीवों से रिलेटेड है। आज हम एक और नया कीट यानी मधुमक्खी, आपके पीछे जो दिख रहा है मधुमक्खी है, जो ये पिक्चर है उसमें मधुमक्खी जो है एक दूसरे से जो है मिलन हो रहा है, यानी जो है हम लोग अपनी भाषा में इसको सेक्स कहते हैं। सेक्स गलत शब्द नहीं है, हर एक जीवों में होता है और जीवों की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है यही सेक्स है, जो वैसे सुनने में गलत लगता है पर यही कारण, इसी के कारण हर जीव है। तो आज हम जानेंगे ये इस मधुमक्खी के बारे में, ऐसा जीव जो एक बार तो सेक्स करता है, उसके बाद जो सेक्स करने वाले नर हैं या तो खुद मर जाते हैं या उनका जो बॉडीगार्ड है वो उनको मार देता है। तो आइए जानते हैं इस जीव के बारे में। जो जीव ये दिख रहा है ये एक रानी मधुमक्खी नीचे है और इसके ऊपर जो है नर मधुमक्खी है जो सेक्स ऊपर हो रहा है। ये जो मधुमक्खियां होती है या जो चींटियां होती है उसका जो सेक्स होता है वो उड़ान भरने के दौरान होता है, मतलब ये उड़ते उड़ते हुए जो है सेक्स करते हैं। आइए जानते हैं और आगे इनमें जो है किस तरह होता है। पहले तो ये कीट प्राणी है, जितने भी जो है कीट प्राणी हमने दे रखा है ये सभी जो है मधुमक्खी के साथ ये सभी कीट वर्ग में आते हैं। तितली है और अलग अलग प्रकार का भी आपको दे रखे हैं। तो ये सारे जितने भी आपको पिक्चर दिख रहे हैं सभी जो है कीट वर्ग के अंदर आते हैं और इसी वर्ग के अंदर जो है हमारा मधुमक्खी आता है, जिससे आपने मधु खाया होगा। मधु बहुत मीठा होता है और बचपन से लेके बूढ़े तक जो है मधु लोग बड़े चाव से खाते हैं और बच्चे को जो है जीभ पर चटाया जाता है। और मधु एक ऐसा पदार्थ है जो जीवन में कभी सड़ता नहीं है। आपने गंगा जल के बारे में सुना होगा पर वो भी 5 साल 10 साल के बाद उसमें भी जो है सड़ने लगेगा या वो भी जो है खराब हो जाएगा, पर मधु जो है उसको 50 साल आप रखिए पर वो खराब नहीं होगा, बस उसको थोड़ा सा गर्म कर देना है। तो याद रखिए, आपके घर में अगर मधु है तो निश्चिंत रहिए वो खराब नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको हल्का गर्म करेंगे फिर वो ठीक हो जाएगा। तो इसी मधुमक्खी से हम लोग मधु प्राप्त करते हैं, वो भी जानेंगे कि मधु कैसे मिलता है उसके भी बारे में बताएंगे। आपके पास जो है ये जो दिख रहा है बीच का जो है ये रानी मधुमक्खी है। रानी, यहां पर राजाओं की कोई कदर नहीं है, यहां पर सिर्फ रानियों की चलती है। वैसे हम लोग के यहाँ जो है यहाँ क्वीन यानी रानी है, ये रानी बीच में दिख रही है जिसके एक साइड ड्रोन है। ड्रोन मतलब कहने का है ये नर है, नर मतलब समझ लीजिए आदमी, ये नर है। तो हम लोग देख रहे हैं ये रानी मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी यानी क्वीन। हम लोग Q4 क्वीन जो है पढ़े हैं पहले से ही, और उसी छाता में जो है एक ही रानी होती है। जिस तरह जंगल में एक सिर होता है उसी तरह मधुमक्खी के छाता में एक ही रानी होगी, दूसरा कोई नहीं होगा। उसी तरह इसमें रानी के साथ साथ एक ड्रोन यानी नर होता है, कुछ ही मात्रा में होता है, जिसका काम जो है सिर्फ सेक्स करना है रानी के साथ और उसके बाद इसका काम समाप्त है। फिर इसके साथ वर्कर होती है। वर्कर कहने का मतलब है ये नपुंसक लिंग है, ये जो है इसका काम सिर्फ वर्कर मतलब काम करने वाला, ये सिर्फ काम करने वाला है। और किसके लिए? पूरे छाता के लिए। फूलों से रस इकट्ठा करके लाना है और छाता तक पहुंचाना है, जिसमें जो है रानी के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी है, खुद भी व्यवस्था करनी है। तो ये जो है ये वर्कर का काम सिर्फ करेगा, इससे जो है ना ही ये जो है नर का काम कर सकता है ना रानी का काम कर सकता है। इसका काम सिर्फ जो है काम करना है, जो भी काम हो, छाता बनाना हो, फूल को ढूंढना हो। तो ये रानी एक ही होती है जो सबसे बड़ी होती है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, इस दोनों से जो है रानी बड़ी है। और कैसे मधु आता है ये भी बताएं कि जब फूल जो है एक नर मतलब वर्कर का काम है फूल ढूंढता है, ये लोग जो है फूल को एक तरह से ढूंढते हैं। इनमें भी एक जो है एक दो लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं और जिस दिशा में जो है फूल मिलता है फिर वो आके छाता पर एक अलग तरह से
नाचते हैं, उस नाच से पता चल जाता है और जो है वर्कर को कि फूल किस दिशा में है, उस दिशा में सभी लोग जाते हैं और फूल से जो है ऊपर का पराग जो है उससे रस चूस के लाते हैं। फिर वो जो है छाता, आप लोगों ने देखा होगा कि छाता में जो है इस तरह बना होता है, जो मधुमक्खी का छाता हम लोग गांव घर में भी लगा देते हैं, कहीं बना होता है ये कोष्टक। आपको लगता होगा कि इसके भीतर मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी रहने के लिए नहीं बताती, मधुमक्खी इस बीच में रहती है, इधर रहती है। तो मधुमक्खी जो है आपको लगेगा कि यहाँ पर रहने का है, ये मधुमक्खी का ये जो जगह है ये मधुमक्खी रहने के लिए नहीं ले रखी है, इसमें जो मधुमक्खी रहती है और इसमें जो रस ला रही है उस रस को इसमें जमा करती है उसके लिए कि आगे दिन काम देगा। और ये कब चलता है, इसको जो है लगभग जो रस लाया उसको लगभग 30 मिनट तक ये खुद में चबाती है, मुंह में चबाती है, जिसके कारण कुछ अंश तो इसको बच जाता है, बाकी अंश में जो है लार के वजह से, जैसे हम लोग के भोजन में भी लार जो है पाचन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है, उसी तरह इसमें जो है लार जो है मिल के मधु का निर्माण करता है और वो फिर मधु जो है इस छाता में रख देती है। कभी कभी लगता है ये उल्टी कर दी है, इसको आप उल्टी कह भी सकते हैं पर ये उल्टी नहीं है, कि मधुमक्खी का उल्टी हम लोग नहीं खाते हैं, मधुमक्खी का प्रक्रिया है जो मुंह से निकाल के ये छाता में रख देगी, यही जो है आगे काम इसको दे इसके लिए रख देती है। तो इस तरह मधु का निर्माण होता है और मैंने बताया है कि मधु जो है कभी खराब नहीं होता है। दूसरा आगे और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो है एक ही रानी होगी, हमने बताया है कि पूरे छाता में अकेला राज करेगा। दूसरा जो नर जो है 100-200 होता है, जो सैकड़ों में या 100 से 200 हो सकता, बाकी जितनी भी मधुमक्खियां होती है एक छाता में लगभग 20 से 30 हजार तक मधुमक्खियां हो सकती है। फिर जो है रानी बदलने के बाद छाते बदल जाते हैं, वो अपना घर बदल देता है। आगे हम लोग जो देख रहे हैं ये जो है वर्कर है जो फूल पे से जो है रस अपने छाता तक ले जाने के लिए तैयार हो रही है, और इसका जो है वैज्ञानिक नाम हम लोग देखेंगे तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस। एपिस जो है ये मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि हम लोग यहाँ पर मधुमक्खी कहे पर दुनिया में जो है लोग इसी नाम से इसको जानेंगे। तो इसका जो है जीवन काल मात्र 30 से 60 दिन, मतलब 1 महीना से 2 महीना में जो है जितना भी वर्कर है वो सब समाप्त हो जाएगा। ये वर्कर जो है इसकी जो है आयु है वो मात्र 1 से 2 महीने तक के है, लेकिन रानी मधुमक्खी जो है 2 महीने तक नहीं रहेगा। रानी मधुमक्खी जो है ये लगभग जो है 2 साल से लेके 5 साल तक जीती है, इसीलिए वो रानी होती है कि चूंकि नर और श्रमिक आते जाते रहते हैं, रानी रानी रहती है। तो रानी किस तरह जो है इसका एक विवाह उड़ान होता है, कीट का जो है विवाह उड़ान, इसके बारे में हम बात करेंगे जो आज का मुख्य टॉपिक है। ये देख रहे हैं उड़ती हुई जो है दोनों मधुमक्खी है, नीचे जो है रानी मधुमक्खी है, ऊपर जो है नर है। ये उड़ता हुआ संभोग करता है, जब रानी को चुनना होता है तो एक जब बूढ़ी जो सबसे पहली रानी होती है उसमें जो है नया अगर रानी चुनना है तो इसका उड़ान होता है। एक रानी मधुमक्खी उड़ती है ऊपर और सब जगह भागती है, इसके पीछे से 200 300 500 जितना भी है ये सभी नर जा रहे हैं, इसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर जो है इसमें से कुछ लोग ही, इसको आप एक तरह से बलात्कार भी कह सकते हैं, पर जीव का ये प्रक्रिया है संभोग करने का, ये बलात्कार नहीं है, पर इसके पीछे जो 100-200 नर जा रहा है उसमें से कुछ के साथ ही ये रानी मधुमक्खी उड़ते हुए संभोग करेगी, और ये एक ही बार करेगी और एक ही बार में जो है उतना जितना जमा कर लेता है सीमेन। सीमेन के बारे में आप लोग देखते होइएगा, गांव घर में जो डॉक्टर आता है गाय का बकरी का ये सब का सीमेन रखता है, वही सीमेन है जो ये नर से इसको एक बार प्राप्त हुआ। सेक्स करने के दौरान ही नर इसमें जब ही अपना जो है लिंग डालते हैं, सेक्स होने के बाद जो है या तो ये खुद गिर जाएगा, नर खुद गिर जाएगा, और नहीं गिरा तो छाता पे आने के बाद जो वर्कर है वो इसको मार के समाप्त कर देता है, तुम्हारा काम जो है इतना ही तक है, तुम्हारा काम समाप्त है। नर का काम सिर्फ जो है विवाह उड़ान तक संभोग की क्रिया संपन्न कराना है, उसके बाद जो ये सीमेन जमा कर लेती है। तो विवाह उड़ान आप समझ गए, ये दूसरे जीव में भी होता है, चींटियों में भी होता है जो उड़ने वाली जीव होती है, ये हम पहले बताए थे। ये जो है रानी मधुमक्खी है जो आपको बड़ा दिख रहा होगा, सबसे बड़ा छाता में सबसे बड़ी होती है रानी मधुमक्खी, इसके चारों ओर जो है
छोटे छोटे वर्कर हैं। और रानी मधुमक्खी हमने बताया है कि कितना, वो सब जितने श्रमिक हैं 1 से 2 महीने में मर जाएंगे, पर रानी जो है 2 साल से लेकर 5 साल तक चलती है, इसलिए बड़ी भी होती है और रानी राज करती है। आगे हम देखेंगे एक और अभी नया कुछ आया है अरुणाचल प्रदेश से, हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में एक नई मधुमक्खी की खोज हुई है। ये नई मधुमक्खी जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कीट का या जीव का जो खोज करता है भारत में, उसने ही जिसका एक इकाई है जो दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र कहलाता है, तो दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र यानी जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश में एक नया जो है मधुमक्खी की खोज की है, उसका नाम जो है आपको दिख रहा होगा, सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये इंडिया दक्षिणी इसका क्षेत्रीय है, मतलब जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है जहां पर ये एक अलग से केंद्र है दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र, इसके द्वारा जो है एक खोज हुआ है जो मधुमक्खी आपको दिख रहा है, ये मधुमक्खी का एक खोज नया तरीका से भारत में हुआ है जिसका नाम है सेरेटिना तवांग गेसिस। ये सेरेटिना तवांग गेसिस इसका नाम रखा गया है, तवांग इसलिए नाम रखा गया है कि जहां खोज हुआ है उस क्षेत्र का नाम तवांग है, उसी खोज वाले क्षेत्र से होने के कारण इसका नाम जो है सेरेटिना तवांग सिस रखा गया। ये एक नया है जो लगभग 1600 से 2300 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, 1600 से 2300 मीटर इतनी ऊंचाई पर यह मधुमक्खी होती है, 2300 मीटर तक की ऊंचाई पर यह मधुमक्खी पाई गई और इसका खोज भारत में हुआ है। तो आज हम लोग जाने हैं मधुमक्खी के बारे में और उसके विवाह उड़ान के बारे में, शायद आपको मालूम ना हो ये विवाह उड़ान हर कीट पतंग में होता है जो उड़ने वाली जीव है। और ये आपने ये भी जाना कि रानी मधुमक्खी जो है जीवन में एक बार जो है संभोग की क्रिया करेगी और बार बार उसके बाद जो है लगातार 5 साल तक ये जो है अंडे देती रहती है और लगातार जो है इसका जो है अंडा देने का प्रक्रिया है वो डेली का होता है, डेली का लगभग जो है 30 से 40 अंडे जो है डेली ये देती है और लगातार 5 साल तक देती रहती है, 5 साल तक जो है अंडे देगी और फिर इसी दौरान जो है फिर किसी न किसी को जो है रानी चुना जाता है और फिर वही प्रक्रिया होता है कि जो नया रानी बनेगा फिर से विवाह उड़ान भरेगा और उस विवाह उड़ान के द्वारा फिर से उसको रानी चुना जाएगा। इस बीच कभी ये लगता है कि इसको हम रानी नहीं चुने, जो पहले से रानी है वो बूढ़ी हो गई, तो कुछ जो है श्रमिक है उसको ये लगता है कि इसको हम घर से नहीं भगाएंगे, तो वो अलग छाता का खोज करता है, फिर से उसको लेके जो है साथ में अलग चला जाता है और अलग एक अपना घर अलग बना लेता है। पर ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, छाता में जो है एक ही रानी होगी, जिस तरह जंगल में सुनते हैं एक ही शेर होता है। तो आज हम लोग जाने हैं मधुमक्खी के बारे में, जिसका मधु हर कोई खाया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए जीव के साथ, उनका कुछ अलग अनसुना किस्सा के साथ। तो अच्छा लगा होगा तो आपके ऊपर दे रखे हैं शशि कुमार 152 YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंच सके और जानकारी बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।